जेपी नड्डा भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, पर चूंकि भाजपा संविधान में इसकी कोई समीचीन व्याख्या उपलब्ध नहीं, सो काफी समय तक नड्डा को अपने नए दफ्तर के लिए कमरा ही नहीं आवंटित हो पाया। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष व देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपनी ओर से विशेष पहल करनी पड़ी। तब कहीं जाकर भाजपा के नव नवेले मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कोई अदद कमरा उपलब्ध हो सका। दरअसल भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष शाह को दो कमरे आवंटित थे। एक कमरा ऊपरी तल पे अवस्थित था, जहां बैठकर शाह अपनी पार्टी का कामकाज निपटाते थे। उन्हें एक और कमरा ग्राउंड फ्लोर पर भी आवंटित था, जहां वे मुलाकातियों से मिलते थे। अपने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए फौरन शाह ने अपना ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा छोड़ दिया, जिसे आनन फानन में नड्डा के लिए तैयार किया गया। इसके तुरंत बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष देशाटन पर निकलने वाले हैं, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से एक नया जोश का संचार हो सके। हाल ही में पार्टी के सभी एक्टिव कार्यकर्ताओं की मियाद खत्म कर दी गई है। उन्हें 100 नए मेंबर पार्टी के साथ जोड़कर फिर से अपने एक्टिव मेंबरशिप को जिंदा रखना है। नड्डा के देशाटन में इस पूरी प्रक्रिया को एक नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।